हम कंपेयर करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को। हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने जा रहे हैं। बच्चों, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं H, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अचीव करते हैं और मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, इसीलिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, उसका वैल्यू लेस देन जीरो आता है। मतलब कि जो ससेप्टिबिलिटी हमें मिलती है ना, जो कि M अपॉन H होती है, वो नेगेटिव होती है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अचीव कर लेते हैं, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन इनका होता है सेम डायरेक्शन में, लेकिन जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने अप्लाई किया है उसके मुकाबले तो मैग्नेटाइजेशन कम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नेटाइजेशन कम ही होता है जितना हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया है उसके मुकाबले। ठीक, लेकिन यहाँ M और H अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ M और H सेम डायरेक्शन में होते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई किया जाता है, तो सेम डायरेक्शन में और ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटाइजेशन अचीव हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ससेप्टिबिलिटी हमको पॉजिटिव मिलने वाली है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी M अपॉन H होती है, डायरेक्शन सेम होने से पॉजिटिव मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, ससेप्टिबिलिटी को मैं लिख देता हूँ कि इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और ये जो है वो पॉजिटिव होगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में भी। ठीक, यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके केस में हमको पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचीव होती है, वो तो उल्टा ज़्यादा होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मुकाबले। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में कम ही होता है, छोटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचीव होती है, छोटा मैग्नेटाइजेशन होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी छोटा मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन बस बात आती है डायरेक्शन की, है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो डायरेक्शन है M की, वो H से अपोजिट है। यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में है। तो ये सब बातें आप जानते हो, यहाँ तो हमको कंपेयर करना है। जो मैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल है, ये जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के सैंपल के अंदर, बी इनसाइड सैंपल, ठीक है, हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई किया, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण सैंपल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, और वो भी सेम डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन होने से इस मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, है ना। इसीलिए जो इन दोनों का नेट टोटल बनेगा इनसाइड द सैंपल, वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, H के मुकाबले तो छोटा ही होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें क्या होता है कि H की डायरेक्शन में ही M बनता है। तो मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड H के कारण बन रहा है, वो तो इस डायरेक्शन में है, और M के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल ने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचीव करी है, उस मैग्नेटाइजेशन के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में। इस कारण से बी इनसाइड सैंपल इज ग्रेटर देन एच। यहाँ पर भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, यहाँ पर भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा केस है, एच और एम की डायरेक्शन सेम होने से बी इनसाइड सैंपल वो ग्रेटर देन एच ही बनने वाला है। ठीक है बच्चे, इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, बी बाई एच इज लेस देन वन। यहाँ पर बच्चे लिख देते हैं बी बाई एच इज ग्रेटर देन वन, और यहाँ पर बच्चे लिखते हैं बी बाई एच इज ग्रेटर देन वन, है ना। ये बी इनसाइड द सैंपल फेरोमैग्नेटिक के केस में बहुत बड़ा बनता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजेशन वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मुकाबले ज़्यादा होता है। ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो जीरो से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है।
पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो परमिएबिलिटी होती है ना वो ग्रेटर देन वन होती है, और फेरोमैग्नेटिक के केस में जो परमिएबिलिटी होती है ना वो ग्रेटर देन वन होती है, एक से बहुत बड़ी होती है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक के केस में जो परमिएबिलिटी है वो एक से तो बड़ी है लेकिन दो से छोटी है। ठीक है, हमको ये रूल पता है ना कि रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनका रिलेशन क्या है, इसका तो हमने एक टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर म्यू आर का वैल्यू लेस देन वन हो गया, ये म्यू आर की वैल्यू लेस देन वन हो गई, जैसे कि 0.5 पुट करके देख लो, तो जब ये वन यहाँ पर आएगा तो वन माइनस वन प्लस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 की वैल्यू सोच के देखिए आपने, तो ये जो वन है ना जब यहाँ आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, माइनस 0.5। इसीलिए ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल की हमको नेगेटिव मिलेगी। यहाँ पर देखो म्यू आर की वैल्यू एक से बड़ी है, अगर एक से बड़ी लेकिन दो से छोटी म्यू आर की वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि 1.7, ये आपने 1.7 वैल्यू पुट कर दी रिलेटिव परमिएबिलिटी की। ठीक है, 1.7 पुट करी सपोज, तो होगा क्या, जब ये वन यहाँ जाएगा तो 1.7 माइनस वन हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 0.7 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। म्यू आर की वैल्यू आप एक से बहुत बड़ी रख दो, जैसे कि दो रख दी, तीन रख दी, सपोज आपने वैल्यू तीन रख दी, तो ऐसे केस में क्या होगा, वन जब यहाँ आएगा तो आंसर आपका टू आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगेन जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो आपको पॉजिटिव टू, मतलब पॉजिटिव मिली ना। अब बच्चों यहाँ देखो, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, तो इस कारण से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचीव करता है तो वो अपने पास आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपल करता है, उससे दूर जाना चाहता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूर भगा देता है। तो देखो, इसने डायमैग्नेटिक मटेरियल ने अपने पास आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से दूर भगा दिया, ये हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ चुके हैं ना बच्चों, ये सारी जानकारी हम लोग ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक टॉपिक्स में सारी जानकारी पढ़ चुके हैं, यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है बस, इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, बस आपको हाँ कुछ थोड़ी सी डिटेल बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको पिछले टॉपिक्स याद आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दीज आर अट्रैक्टेड बाय पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से ले लेता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो ऐसा मटेरियल है जो कि ये देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से अंदर ले लेना चाहता है। तो हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन डोंट वांट टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वांट टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाईली वांट टू पास थ्रू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों ये नोट्स का सैंपल है जो मैंने आपके लिए बनाया है, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वे तो इस सैंपल नोट्स को लेकर के ओपन करके बैठे हुए हैं जब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तब, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूँ, वे चाहे तो मेरे द्वारा मैन्युफैक्चर किए हुए नोट्स मंगवा सकते हैं, आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको केवल मैसेज भेजना है और डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन को हम आगे बढ़ाते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो क्यूरीज लॉ को ओबे नहीं करता, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यूरीज लॉ को ओबे करता है, ये तो हमने देख लिया इस टॉपिक में, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टॉपिक में हमने क्या देखा था कि इट ओबेज क्यूरीज लॉ। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कुछ असर नहीं होता, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो मैग्नेटिज्म का लॉस होता है, मैग्नेटाइजेशन का लॉस होता है, मैग्नेटाइजेशन कम होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या खास बात है कि जब क्यूरीज टेम्परेचर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ फेरोमैग्नेटिक टॉपिक में, क्यूरीज टेम्परेचर अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, और वो अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग है, और उनके लिए फिक्स भी है।
तो क्यूरिस टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई कर दोगे ना, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा, इफ़ टेम्परेचर अप्लाइड इज ग्रेटर देन क्यूरिस टेम्परेचर, इट बिहेव्स, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल ये मैग्नेट को, किसी दूसरे मैग्नेट को, अपने पास में आने वाले मैग्नेट को रिपल करते हैं, लेकिन वीकली रिपल करते हैं ना, क्योंकि खुद के अंदर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कमी होती है भले वो अपोजिट डायरेक्शन में है। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल वीकली अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनका मैग्नेटाइजेशन कम होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में एच के। इनका मैग्नेटाइजेशन तो गजब का बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए पास में आने वाले किसी मैग्नेट को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप्लाई कर दो ना किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, सॉरी, अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, डायमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप्लाई कर दो, तो होता यह है कि अगर आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, टांग रखा हुआ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन करता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के थ्रू ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल ही अपने आप को अलाइन करते हैं। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल ने, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल अपने आप को अलाइन किया हुआ है। ठीक है, बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैंने दो मैग्नेटिक डायपोल के मोनोपोल्स को पास पास में रखा, तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं नॉर्थ से साउथ को जाने वाली, कुछ इस तरह से बनती हैं। तो ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला है ना, और ये जो स्पेस जिसके अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला है ना, वो स्पेस में देखो तीन रीजन हैं, एंड रीजन्स और मिड रीजन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है एंड रीजन, ठीक है, और देखो ये मिड रीजन लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर आप जो ये मिडल रीजन है ना, इस मिडल रीजन में ध्यान से देखना, मिडल रीजन में जो क्राउडिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मिडल रीजन में एच इज स्ट्रांग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। तो बच्चों जब हम ये देखो, इस शीट को देखो, ये पेपर शीट है ना, पेपर शीट के ऊपर जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स को स्प्रिंकल करते हो, तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स चाहते हैं कि वे मैग्नेटिक फील्ड से दूर चले जाए, लेकिन इनको ऑप्शन क्या मिलता है, या तो आपको आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहना है या वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहना है। तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो एंड रीजन्स हैं यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस कारण से वे वीक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एंड रीजन्स में डायमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स वो कलेक्ट हो जाते हैं, और जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिड रीजन में बनता है, इस मिड रीजन में, यहां से वो डायमैग्नेटिक मटेरियल दूर भाग जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन को पसंद करते हैं, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहाँ बनता है, ये देखो बीच में बन रहा है ना, मिडल रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस कारण से मिडल रीजन में वे अपने आप को कलेक्ट कर लेते हैं, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दोनों मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो एंड रीजन्स में कम कलेक्ट होते हैं, मिड रीजन में ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, क्योंकि मिड रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ फिगर में बताए अनुसार एक दूसरे से दूर दूर रखते हैं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है ना। अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जो मिडल रीजन है ना, ऊपर के केस का उल्टा हो गया, जो मिडल रीजन है, इस मिडल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर होने के कारण, क्राउडिंग कम होने के कारण वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन जो ये एंड रीजन्स है, ये एंड रीजन दोनों ही एंड रीजन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहेगा, इस कारण से एंड रीजन्स में, यहाँ पर देख लो डायमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल कम है, और जो मिडल रीजन है ना वो वीक होने से डायमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स वहाँ पर ज़्यादा कलेक्ट हुए हैं। लेकिन
इसका उल्टा काम करेंगे पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स। मिडल रीजन यहाँ पर वीक हो जाने से और एंड रीजन स्ट्रॉन्ग होने से पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो एंड रीजन्स में ज़्यादा कलेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं वो एंड रीजन्स में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, लेकिन मिडल रीजन में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहाँ पर कम कलेक्ट होते हैं। कंपैरिजन का तीसरा पेज मैं ओपन करता हूँ तो आप नोट्स के सैंपल भी देखते जा रहे हो और यहाँ से पढ़ते भी जा रहे हो। डायमैग्नेटिक मटेरियल इज रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर ये यूट्यूब मैंने बना रखी है, इस यूट्यूब के अंदर आप चाहो तो लिक्विड कंडीशन में डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप रख लो, और या चाहो तो आप कोई सॉलिड डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, सॉलिड पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, तो सॉलिड के केस में आप उसके पार्टिकल्स ले लो, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को जो ग्रेन साइज के पार्टिकल्स हैं उनको आप यूट्यूब में भर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपने नॉर्थ साउथ, देखो यहाँ पर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना, तो होता क्या है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहता है, तो ये सभी पार्टिकल्स हैं ना ये नीचे की तरफ मोशन करने लग जाते हैं, खिसकने लग जाते हैं, और ये पार्टिकल्स हैं ना दूर भाग जाना चाहते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं वे ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना रखा है उस रीजन के पास में आना चाहते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ना वो इकट्ठा हो के वो चाहेंगे कि हम सभी इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ जाएं। तो इस चक्कर में होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं और ये पार्टिकल्स वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा पैरामैग्नेटिक के केस में हो रहा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड H और मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन होता है ना, और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन होते हैं, इसलिए जो प्रोपोर्शन में होते हैं इसलिए लाइन आपको कुछ ऐसी मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में देखिए मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, जब इनका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ भी हमको कुछ ऐसा मिलता है। जितना ज़्यादा और ज़्यादा आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते जाओगे उतना ही मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में देखो कि जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है, और इस पार्ट को देखो बच्चों, ये पार्ट को देखो, ये हिस्टेरिसिस कर्व जो अभी हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिस्टेरिसिस लूप का है ना, वहाँ पर हम आपको इस ग्राफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है, और एक ये लिमिट आती है, इस लिमिट को सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटाइजेशन जितना होना था हो चुका, अब और आगे मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिली थी मैग्नेटिक मटेरियल को, कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, उतनी मिल चुकी, अब आगे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर आगे के टॉपिक में हम सारी चीज़ें जो स्टडी करेंगे वो इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में होगा, हम आयरन का केस लेंगे और हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में पढ़ेंगे।